उत्तराखंड देहरादून में सचिन उपाध्याय पर लगे हुए आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज किया है। प्रमोद पटौनी द्वारा जमीनी विवाद को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी है। उन्होंने कहा कि 2012 में उन्होंने पटौनी को 220 गज का प्लॉट आवंटित किया था, जिसकी रजिस्ट्री के कागजात अभी भी उनके पास मौजूद है। पूरी पिटीशन दाखिल की गई है, जो बात उन्होंने पुलिस कंप्लेंट में भी कही है। वही प्लॉट खरीदने के बाद उन्होंने खुद वहां मौजूद होकर चारों ओर से बाउंड्री लाइन बनवाई थी। अब ऐसे में अचानक 2018 में उनके वहां पहुंचने पर बाउंड्री तोड़े जाने पर मुझ पर इल्जाम लगाना बेहद गलत है। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि किशोर उपाध्याय के राजनीति में कई बार उन पर निशाना लगाने के लिए, मुझ पर दबाव बनाने के लिए ऐसे बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए हैं, जहां उन्होंने इसकी शिकायत शासन प्रशासन को भी दी है। कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनकी रंजिश मुकेश जोशी से है, जहां पूरी तरह ये मामला उन्हें राजनीतिक व ब्लेमेलिंग में जुड़ा नजर आ रहा है। सर, प्रमोद बडोनी जी ने मेरे से प्लॉट लिया था, 220 गज का प्लॉट लिया था 2012 में। 2012 में उनकी रजिस्ट्री हो गई थी, म्यूटेशन हो गई थी। ये मैं आपको रजिस्ट्री दिखा रहा हूँ, ये इसके साथ म्यूटेशन लगी हुई है। उन्होंने और उनके साथ कुछ और लोगों ने मेरे से प्लॉट लिया था, और हमने एज पर दी रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से उन्होंने पूरी ड्यू डिलिजेंस करी प्रॉपर्टी की, और उसके बाद जो है हमने उनका नाम पे रजिस्ट्री कर दी और उसकी म्यूटेशन भी करवा के उनको दे दी, और मौके पे उनको पोजीशन भी दे दिया, जो कि वो खुद भी मानते हैं। उनका कहना भी ये है, और जो पुलिस कंप्लेंट जो लिखी हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि वो खुद प्लॉट पे आए और उन्होंने वहाँ पे उसकी बाउंड्री बनाई। उसकी एवज में उन्होंने 1.5 लाख रुपये जो है वो बाउंड्री बनाने वालों को दिए, जिसका कि वो बिल भी क्लेम करते हैं। फिर वो कहते हैं कि 2018 में मैं साइट पे आया तो किसी ने बाउंड्री तोड़ दी और उसने कहा कि ये सचिन उपाध्याय ने तोड़वाई है। तो सर, मैं क्यों तोड़, जो प्लॉटिंग मैं 2012 में ख़त्म कर चुका हूँ, इसमें क्यों किसी की बाउंड्री तोड़वाऊंगा, मेरा कोई मतलब नहीं है। मामला ये है कि एक तो ये, क्योंकि जब से किशोर जी जो हैं पॉलिटिकली एक्टिव हुए हैं तो कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं मेरे थ्रू, ताकि मेरे को दबाव बनाएं और उनको डिस्टर्ब करें। मेन मामला ये है इसमें। अब ये आदमी क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, क्योंकि इनकी सब प्लॉट जो 2-3-5 लोग जिन्होंने प्लॉट ले रखे हैं, उनकी आपस की लड़ाई है, और उस आपस की लड़ाई में मुझको घसीटा जा रहा है बिगर बात के, और शासन प्रशासन जो है मेरी बात को नहीं सुन रहा है। मैं बार बार ये बात बता चुका हूँ कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, रजिस्ट्री हो गई है, म्यूटेशन हो गया है, पोजीशन दिया जा चुका है, तो इसमें 420 कहाँ से लगती है। मैंने कोई पेपर में कोई फॉर्जरी करी हो या कुछ मैनिपुलेट करा हो या जमीन में कुछ मैंने कुछ करा हो, तब मैं मान सकता हूँ इस बात। सर, उनका बार बार ये कहना है कि आपने वहाँ पर मौके पर उनको पोजीशन नहीं दिया, तो क्या ऐसा कैसे प्रतीत होता है कि आपने पोजीशन नहीं दिया? सर, वो बार बार दो बातें कह रहे हैं। एक बात तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने 1.5 लाख रुपए लेके अपनी बाउंड्री बनवाई और 5 दिन तक मैं वहीं रहा और सचिन उपाध्याय जी ने मुझे पोजीशन दिया, तो फिर 6 साल बाद उनको कैसे याद आ रही कि मुझे पोजीशन नहीं मिला। मैं जो है, मैं ये बात भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जमीन लेते हो, आप अपना कब्जा लेते हो, उसके बाद अपनी जमीन की खुद देखभाल करते हो। सचिन उपाध्याय आपका चौकीदार नहीं रह सकता ना 8 साल तक, मैं कैसे चौकीदारी कर सकता हूँ उनकी जमीन की? इस पूरे मामले के पीछे क्या देखते हैं, कोई राजनीतिक द्वेष की भावना हो सकती है या क्या देख रहे हैं सर? इसमें कोई पर्सनली किसी से रंजिश चल रही है? सर, मेरी रंजिश मुकेश जोशी से चल रही है, और ये मुझे कम्प्लीटली ब्लैकमेल और पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पुलिस मेरी बात को नहीं सुन रही है। बाबा, इसके लिए संपर्क किया आपने पुलिस अधिकारी से? मैंने संपर्क करने की कोशिश करी, अभी तक मुझे टाइम नहीं दिया गया। अब आई होप मुझे टाइम मिल जाए इसके लिए।